टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन की आंखों को लेंस लगाना भारी पड़ गया। इसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस ने दी है। जैस्मिन ने बताया कि 17 जुलाई को वे एक इवेंट में गई थी जहां उन्हें लेंस लगाना पड़ा था। लेंस लगाने के कुछ देर बाद ही उनकी आंखों में दर्द होने लगा था। इसके बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि उन्हें दिखना भी बंद हो गया था। इवेंट खत्म होने के तुरंत बाद जैस्मिन को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनका इलाज हुआ। अब जैस्मिन की हालत पहले से काफी बेहतर बताई जा रही है, उनका इलाज जारी है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके दी है। उन्होंने अपने फैंस का प्यार और दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया है। जैस्मिन ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि लेंस में क्या खराबी थी, लेकिन उसे लगाने के बाद मेरी आंखों में दर्द होने लगा और फिर दर्द धीरे धीरे बढ़ गया। इस घटना के तुरंत बाद मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती थी, लेकिन इवेंट की वजह से जा नहीं सकी। इवेंट के दौरान मैं काला चश्मा पहन कर रही और मैं कुछ देख भी नहीं पा रही थी। जैस्मिन ने आगे कहा, इवेंट खत्म होने के बाद हम रात में आई स्पेशलिस्ट के पास गए। टेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि मेरी कॉर्निया डैमेज हो गई है और उन्हें मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अगले दिन मैं मुंबई चली गई जहां अपना इलाज जारी था। डॉक्टरों ने कहा कि मैं अगले 4-5 दिनों में ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तब तक मुझे आंखों की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। यह आसान नहीं है मेरे लिए क्योंकि मैं देख भी नहीं सकती और ढंग से दर्द की वजह से मैं सो भी नहीं पा रही हूँ। जैस्मिन ने अंत में कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी और काम पर वापस आ जाऊंगी। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे और खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।